Please subscribe this channel. हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि दुनिया में कौन लोग कौन सी कैटेगरी में हैं और वो क्या वर्क करते हैं। आप जॉब करो या फिर बिजनेस, आप फोर कैटेगरी में ही रहने वाले हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ई फॉर एम्प्लॉय एंड एस फॉर सेल्फ एम्प्लॉय, बी फॉर बिजनेस ओनर एंड आई फॉर इन्वेस्टर। चलिए चलते हैं ई फॉर एम्प्लॉय वाली कैटेगरी में। ई फॉर एम्प्लॉय कुछ इस तरीके के लोग, ये लोग अपना टाइम देते हैं, हार्डवर्क करते हैं, तब जाकर इन्हें मनी मिलती है। अगर ये अपना टाइम नहीं देंगे तो उनको मनी भी नहीं मिलेगी। ये सारी जिंदगी हार्डवर्क करते हैं तब जाकर इन्हें मनी मिलती है। चलिए चलते हैं सेकंड कैटेगरी यानी एस फॉर सेल्फ एम्प्लॉय। ये लोग अपने काम के खुद ऑनर होते हैं। इस कैटेगरी में आते हैं लाइक डॉक्टर एंड एडवोकेट एंड एक्सेट्रा। बट ये भी अपना टाइम बेचते हैं तब जाकर इन्हें इनकम मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, एक डॉक्टर का गोवा ट्रिप पे एक महीने के लिए घूमने चला गया तो उसका ना ही इनकम मिलेगी और ना ही एडवोकेट को मिलेगी। सेल्फ एम्प्लॉय और एम्प्लॉय वाली कैटेगरी में दुनिया के 95% लोग हैं और इनके पास दुनिया का ओनली 5% मनी है। चलिए चलते हैं थर्ड कैटेगरी यानी बिजनेस ऑनर पे, बी फॉर बिजनेस ऑनर। ये वो लोग होते हैं जो 500 या उससे भी ज़्यादा का एक टीम क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुकेश अंबानी को लेकर चलते हैं। मुकेश अंबानी के पास रिलायंस जैसा एसेट है और एसेट में 4 लाख से ज़्यादा इंडिया के लोग काम करते हैं। मुकेश अंबानी ने रिलायंस जैसा एसेट बनाया हुआ है जिसमें ह्यूमन रिसोर्सेज यानी HR काम करता है। ये मुकेश अंबानी ने एक रिलायंस जैसा एसेट बनाया, उसमें ह्यूमन रिसोर्सेज यानी काम करने वाले लोग काम करते हैं। मुकेश अंबानी के यहाँ 4 लाख लोग काम करते हैं और 4 लाख लोग में से 8 घंटे भी अगर काम हुआ तो मुकेश अंबानी के लिए 32 लाख घंटे काम हो गया। मतलब वो 24 घंटे में 32 लाख घंटे काम करता है। वो काम नहीं करता, उसका नेटवर्क काम करता है। 4 लाख लोग में से अगर एक भी पर्सन 8 घंटे भी काम करता है तो 32 लाख घंटे काम हुआ अंबानी के लिए। मतलब उसने एक बार रिलायंस जैसा एसेट बनाने में टाइम दिया और फिर आप वो कुछ ना भी करें फिर भी उसको मनी मिलती रहेगी। चलिए चलते हैं अब फोर्थ कैटेगरी में यानी आई फॉर इन्वेस्टर। ये लोग अपनी फील्ड के बहुत स्मार्ट लोग होते हैं। ये लोग पैसे के पीछे भगाकर पैसे कमाते हैं। ये लोग शेयर मार्केटिंग करते हैं और इन बिजनेस एंड ऑनर वाली कैटेगरी में दुनिया के ओनली 5% लोग हैं और इनके पास दुनिया का 95% मनी है। तो ये थी वो चार कैटेगरी जिसमें दुनिया के लोग रहते हैं। अब आप खुद चूज करो कि आप कौन सी कैटेगरी में रहना चाहते हो या रहना पसंद करोगे। सो गाइस, थैंक यू सो मच। आई होप यू लाइक दिस वीडियो।